नमस्ते किसान भाइयों, मैं महेश गायकवाड़ आपके लिए फिर से नए टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। होप आपको ये पसंद आए। इसका टॉपिक है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020, जिसको हम कृषि बिल 2020 इस नाम से भी। चलिए हम कृषि बिल 2020 पे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बिल से रिलेटेड किसान भाइयों के बीच में जो जो सवाल है उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फार्मर विरोधी है या फार्मर के हित में है, तो उसके कई सारे मुद्दे हैं, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो है, जिसे हम कृषि बिल 2020 भी कहते हैं, वो एक्चुअल में इसमें तीन और बिल ऐड है, जो कि हम वन बाय वन वो तीनों बिल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला जो रिफॉर्म है, जो कि पहला बिल है, पहला अमेंडमेंट बोल सकते हैं हम, एग्री मार्केट फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि फैसिलिटेशन अमेंडमेंट बिल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो उस बिल में क्या है, वो बिल किस तरह से, उस बिल के प्लस और निगेटिव पॉइंट हम दोनों देखेंगे। पहले हम उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि जो फैसिलिटेशन अमेंडमेंट है एग्री प्रोड्यूस एंड ट्रेड के लिए, वो किस तरह से किसानों को फ़ायदेमंद है। उसका पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट अब ये है कि इस अमेंडमेंट से भारतवर्ष के जो किसान भाई हैं, वो जाके अभी उनका जो कृषि उत्पाद है वो APMC के बाहर भी हम बेच सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और दिक्कत, जो कि भारतवर्ष में अभी भी चालू है, वो सिस्टम अभी भी चालू है। APMC की बाहर बहुत सारे जो ख़रीदार है वो आते हैं और उनका कृषि उत्पाद खरीदते भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कत खरीदारों को आती थी, जो कि आने वाले समय में वो दिक्कत पूरी हट जाएगी। और अभी तक जो जितने भी ख़रीदार हम आ रहे हैं, वो बिना दिक्कतें डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा APMC का जो जियोग्राफिकली एरिया होता है, वर्किंग एरिया जो होता है, उसमें बहुत सारी APMC अपने एम्प्लॉय लगा के भी कमीशन हटती है, गाड़ियाँ रुकाती है, पर्ची मांगती है, और उस वजह से बहुत सारे ख़रीदारों को दिक्कत होती थी, जो कि इस अमेंडमेंट की वजह से उनमें नहीं आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदार उत्साही होंगे और वो डायरेक्टली फार्मर से ख़रीदने में उत्सुक रहेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो किसान भाई अपना कृषि उत्पाद जो दूसरे राज्यों में बेचते हैं, और जो ख़रीदार होते हैं वो दूसरे राज्यों के किसानों से जो खरीदते हैं, उनमें जो दिक्कत का सामना उनको करंट सिनेरियो में करना पड़ता होगा, वो आगे की सिनेरियो में, आगे के परिस्थिति में उनको नहीं होगा। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एरिया में फ्लावरिंग का बहुत प्लांटेशन है, फ्लावर्स कल्टीवेशन बहुत होता है। तो मैं एक ट्रेडर थे जिनको मैंने बोला था कि हमारे यहाँ बहुत किसान हैं जो फ्लोरिकल्चर करते हैं, आप अगर मेट्रो सिटी के थे हो तो आपको वहाँ कुछ बेचना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से किसान से ले सकते हैं। उन्होंने करंट प्राइजेस से भी अच्छा प्राइस किसानों को देने का कमिट किया कि हम आपसे हर दिन आपसे इतने इतने फ्लावर्स के बॉक्स लेंगे और आप हमें डायरेक्टली सप्लाई करिए। लेकिन जब वो उन्होंने फर्स्ट एग्रीमेंट में ट्रेड चालू भी किया, लेकिन जब उनके मेट्रो सिटी में उन्होंने बेचना चालू किया, तो उनको लाइसेंस होल्डर्स का, कमीशन एजेंट का और जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनका सामना करना पड़ा और उनको वो बंद करना पड़ा। तो ये जो सिचुएशन, इसकी वजह से फिर फार्मर को भी जो एक्स्ट्रा ख़रीदार मिले थे वो बंद हो गए, क्योंकि उनको वहाँ उनके मार्केट में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से, तो ये अमेंडमेंट की वजह से ऐसे जो प्राइवेट लोग हैं जिनको
बेचना है उनके मार्केट में, उनके मार्केट में डिमांड है, लेकिन उनको बेचने नहीं दिया जा रहा, तो वो भी चीज़ें आने वाले दिनों में ये दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा खरीदार कृषि फार्मर्स को मिलेंगे, ये अमेंडमेंट में दिया हुआ है। ये फैसिलिटेशन होने की वजह से अगर ज़्यादा खरीदार किसानों को मिलेंगे, तो ज़्यादा किसानों को खरीदार मिलने की वजह से ज़्यादा कंपटीशन होगी और ख़रीदार डायरेक्टली फार्म पे आके यानी खेत में आके बाय करने को प्रोत्साहित होगे। इसकी वजह से जो भी आज किसानों को का गाड़ी हायर करने का वो जो खर्चा बढ़ता है, हार्वेस्टिंग करने का जो खर्चा बढ़ता है, वो खर्चा आने वाले दिनों में कंपटीशन की वजह से वो बंद हो सकता है। अगर अच्छे अच्छे खरीदार कृषि उत्पाद में, कृषि इंडस्ट्री में आए, तो उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगी और मार्केट डायरेक्टली फार्म पे लगभग लगभग हार्वेस्टिंग भी वो कर लेंगे अगर उनको अच्छे डिमांड रही और अच्छा अर्जेंट उनको कमोडिटी चाहिए तो। तो ये सारे फ़ायदे वन जो है बिल्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्री मार्केट ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन में, उसमें ये फ़ायदा हो सकता। तो अपोजिशन क्यों है? तो अपोजिशन में राज्य सरकारों का कहना है कि ये अमेंडमेंट होने की वजह से अगर फार्मर को फ्रीडम मिल गया तो वो उनका जो रेवेन्यू मॉडल है एपीएमसी के प्रीमाइसेस में जो भी बेचा जाता है उन पे उनका फिक्स कमीशन रहता है, तो उनका वो जो रेवेन्यू है वो बंद हो जाएगा और इसकी वजह से एपीएमसी बैंकरप्ट होने की वजह से, उनके पास फंड ना होने की वजह से वो बंद हो सकती है। और दूसरा अपोजिशन उनका ये है, जो कमीशन एजेंट है एपीएमसी के, जो प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के जो कमीशन एजेंट होते हैं, उनको कमीशन ना मिलने की वजह से उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है और उनकी कंपटीशन डायरेक्टली कंपनीज और बड़े बड़े बायर जो होते हैं उनके साथ हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक अपोजिशन एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि इसकी वजह से एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मॉडल है वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि करंटली ओनली 6% सिर्फ 6% किसान भाई जो है वो एमएसपी का फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी के 94% फार्मर एमएसपी का फ़ायदा उठा नहीं रहे तो करंट सिनेरियो में। और अगर तो ये सिचुएशन अभी है तो आप सोच सकते हैं कि एमएसपी किस तरह से ख़त्म हो सकती है। उनका एक कहना है कि इस वजह से जो एपीएमसी का बाहर भी आप बेच सकते हैं आपके कृषि उत्पाद, तो ये जो माहौल है ये आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे कि ऐप्स होते हैं, ई नाम है, बिग बास्केट है, जो आने वाले दिनों में जो ऐसे प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे तो उनको भी डायरेक्ट एक्सेस फार्मर का मिलेगा और वो डायरेक्टली फार्मर से ले सकते हैं। तो इसमें अपोजिशन करने का क्या वजह है वो समझ नहीं आता। लाइसेंस राज जो है कमीशन एजेंट का वो ख़त्म हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि खरीदार बढ़ेंगे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फार्मर से करेंगे तो लाइसेंस राज भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो अमेंडमेंट है कृषि बिल 2020 का वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें क्या बेनिफिट है किसानों के लिए, उसके क्या बेनिफिट है किसानों के लिए, तो वो हम पहले देखते हैं। माहौल बना जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि बड़ी कंपनियां, एग्रीकल्चर कृषि संस्थाएं, एग्रीकल्चर फर्म, होलसेलर, एक्सपोर्टर, कृषि से रिलेटेड जो भी बिजनेस करना चाहता है, जो एग्रीकल्चर कृषि उत्पाद खरीद के बेचना चाहता है, वो डायरेक्टली फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह जुड़ सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं 86% किसान भाई वो 5 एकड़ से कम लैंड कृषि ज़मीन है उनके पास, तो इसमें ग्रुप बाइंग कृषि समूह इसको भी बढ़ोतरी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनका रिस्क जो है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा और वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कंपनियों का और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसकी वजह से फ्यूचर प्राइजेज जो है वो कन्फर्म रहेगी
ज़्यादा उतार चढ़ाव किसान भाइयों को नहीं मिलेगा, वो जो खरीदार है वो भी फिक्स होगा, और कोई नेशनल क्लाइमेटीज़ आती है और कुछ दिक्कतें आती है फार्मर को, तो वो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी दोनों के बीच होगी। ट्रैक फार्मिंग होने की वजह से पहले ही अपना खरीदार फिक्स होने की वजह से जो मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मंडी तक लेके जाना और सॉर्टिंग करना, पैकिंग करना, वो कॉस्ट फार्मर की लगभग लगभग जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले से ही एग्रीमेंट करके रखा है। तो इसके अपोजिशन क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेंडमेंट बिल में अपोजिशन क्यों है? इसका अपोजिशन इसलिए है कि किसान जो है वो छोटे छोटे ग्रुप में बटा हुआ है, और बहुत सारे किसान भाई जो है, भारतीय किसान भाई जो है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ग्रुप से कैसे लड़ेंगे? इतनी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी तो उनके एग्रीमेंट कैसे होंगे, वो पढ़ेगा कौन, उनके डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? तो ये जो चीज़ें हैं अनडिस्प्यूटेड हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन है कि किसान भाई कितने तरह के एग्रीमेंट पढ़ते हैं और किस तरह से एग्रीमेंट हम करते हैं, एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं और कौन कौन से पॉइंट वो कंपनियां लाती है और उस पर हम अग्री करते हैं। तो जैसे कि हम बैंक्स के भी एग्रीमेंट पढ़ते नहीं और डायरेक्टली साइन कर देते हैं, तो इस हिसाब से ना करते हुए अगर किसान भाई ग्रुप्स में अगर जाएंगे, ग्रुप फार्मिंग अगर करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी अगर फॉर्म करेंगे और उस हिसाब से फिर एक्सपोर्टर से साथ या बड़ी कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट करते तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वो दिक्कत का सवाल है कि किस हिसाब से एग्रीमेंट होगा और कैसे डिस्प्यूट सॉल्व होगा। पहले भी कहा कि बहुत सारे किसान भाइयों के पास लेस देन 5 acres तक लैंड होती है, 2 hectare के कम लैंड होती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे जुड़ेगी ऐसे छोटे किसानों से? तो इसके लिए छोटे छोटे किसानों को भी एक गांव में, दो गांव में मिलकर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा या समूह फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वो ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आए और अपनी रिस्क कम करें। किसान और बड़ी कंपनियों में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो वो कब तक चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के साथ किसान झगड़ नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, तो फिर वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा वो भी एक देखने वाली बात। इसमें तीसरा जो बिल है, कृषि बिल 2020 में वो एक तीसरा बिल है, वो इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, उसमें सरकार ने अब दाल, ऑयल सीड, ओनियन और पोटैटोस को इसेंशियल कमोडिटी में से बाहर कर दिया है। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट प्राइजेस पे होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो है, अभी अगर आप देखेंगे तो ओनियन और पोटैटोस में जो एजेंट, कमीशन एजेंट, जो APMC के कमीशन एजेंट होते हैं, बहुत से ट्रेडर्स होते हैं, वही उसको जमा कर पाते हैं, और इस पर एक लिमिट होता है इसेंशियल कमोडिटीज़ में होने की वजह से, इस पर एक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाहर आप उसको जमा नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो ओनियन के प्राइजेस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट होते थे, क्योंकि कम प्राइजेस में जमा कर देते थे और होने की वजह से डाउन होते थे। तो वो चीज़ें अभी बंद हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्टर है, वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी कर सकती है, कोल्ड स्टोरेज बना सकती है, स्टोर कर सकती है। तो इसमें फार्मर को एक बेनिफिट मिलेगा कि जो एक प्राइजेस है ओनियन पोटैटोस की, वो लगभग लगभग एक कांस्टेंट रहेगी और ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होगी। लेकिन अगर ज़्यादा जमाखोरी बढ़ती है तो इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप भी कर सकती है, लेकिन युद्ध और आपातकाल परिस्थिति में, जैसे कि अकाल हो, अकाल पड़ना हो, इसमें केंद्र सरकार इसमें स्टोर ओनियन, पोटैटो और पल्सेस, ऑयल सीड, ये इसेंशियल कम्योडिटी से बाहर होने की वजह से ये सेक्टर जो है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है, कंपनी जो है, एक्सपोर्टर जो है, उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। कैसे अट्रैक्टिव होगा? वो किसान से ज़्यादा परचेस करने में ध्यान रखेंगे, और अगर किसान भाई बेचना चाहते हो तो बेच सकते हैं, अगर स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। ये इसेंशियल कमोडिटी से बाहर होने की वजह से यहाँ से आगे
ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि किसान भाई रेंट पे भी जगह कोल्ड स्टोरेज लेके अपने कम्युनिटी स्टोर कर सकते हैं, जिनको अभी करंट प्राइसेस पे सेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एसेंशियल कम्युनिटीज से ओनियन और पोटैटो बाहर होने की वजह से, पल्सेस, ऑयल सीड, पोटैटोज और ओनियन बाहर होने की वजह से खरीदार और किसान दोनों के लिए ये कम्युनिटी के प्राइजेस साल तक स्टेबल रहने वाले हैं। वो तो हो गया, अभी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिलेगा आने वाले एक दो साल में, जैसे ही ये अमेंडमेंट आता है वैसे। और ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ यानी कृषि उत्पाद मार्केटिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं, ताकि वो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मार्केटिंग अगर दोनों को हम जोड़ के देखें तो किसानों को स्टोर करने में भी आज़ादी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदार स्टोर कर पाएंगे। मैं देखता हूँ ओनियन में बहुत सारे टाइम जब प्राइजेस डाउन होते हैं तो ख़रीदार नहीं होते हैं, लिमिटेड लोग ही खरीदने को पसंद करते हैं। तो इस ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर अगर परचेसिंग में ख़रीदने में बिलीव करते हैं तो प्राइजेस थोड़ा अप रहेगा और फार्मर को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो जो बिगेस्ट कंपटीशन जो होगी वो किसानों में नहीं होगी, वो खरीदारों में शिफ्ट हो जाएगी वो कंपटीशन। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा इसका है। एसेंशियल कम्युनिटी से ये चीज़ें हटने की वजह से ज़्यादा जमाखोरी होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जमाखोरी होगी और कीमतें इसकी अनैसर्गिक बढ़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अगर कुछ चीज़ें कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस फैसिलिटेशन में गए तो वो चीज़ें वहाँ कम, ये रिस्क कम हो सकती है। तो इसके निगेटिव पॉइंट और एक है, अगर बड़ी कंपनियां बड़ा फंड लेके आई तो ज़्यादा जमाखोरी कर सकती है और किसानों को इससे नुकसान हो सकता है, और जो ख़रीदार है मार्केट में, जो ख़रीदार है कंजम्पशन के लिए जो खरीदते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। एक तरफ गवर्नमेंट ऐसा बिल ला रही है जिससे कि गवर्नमेंट ने एसेंशियल कम्युनिटी में से ओनियन को हटा दिया है, लेकिन एक तरफ वही गवर्नमेंट एक्सपोर्ट, ओनियन एक्सपोर्ट पे बैन कर रही है। तो इसका जवाब गवर्नमेंट ने देना चाहिए कि आप एक तरफ एसेंशियल कम्युनिटी में से ओनियन को हटा रहे हैं और एक तरफ बैन कर रहे हैं, तो ये क्यों, ऐसा दुगलापन क्यों? तो आप एक तरफ ऐसे बोलते हैं कि एसेंशियल कम्युनिटी से ओनियन को हटाने की वजह से फार्मर को फ़ायदा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा, और एक तरफ आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हो। तो इसका जवाब गवर्नमेंट ने देना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें आप एक टाइम कैसे कर सकते हैं, तो एक सोचने वाली बात। मोरल ऑफ कृषि बिल का अगर मोरल निकाला जाए तो APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि लगभग हर स्टेट के जो कंसर्न स्टेट होता है, कंसर्न राज्य जो होता है, उसका ही पावर APMC पे होता है, तो उनका रेवेन्यू धीरे धीरे घटने वाला है और वो किसानों के लिए नहीं तो अपने रेवेन्यू के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट है किसानों के हित में, ज़्यादा खरीदार आने की वजह से, क्योंकि अगर किसी को 1,00,000 मेट्रिक टन, 50,000 मेट्रिक टन, 10,000 मेट्रिक टन अगर किसी को ग्रेप चाहिए, ओनियन चाहिए, तो उनको ग्रुप में मिलता नहीं था, ग्रुप मिलते नहीं थे, तो
अगर किसी कंपनी को डायरेक्टली फार्मर ग्रुप से कांटेक्ट करना है तो आने वाले दिन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनने की वजह से फार्मर भी डायरेक्ट सेल कर सकता है, ग्रुप भी डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ई नाम पे कर सकते हैं और अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पूरा भारतवर्ष में अगर कोई ख़रीदार है तो वो डायरेक्टली ले सकता है। तो जो कमीशन ख़रीदार को 2%, 1.5%, 2%, 2.5% देना होता था वो अभी नहीं देना होगा और डायरेक्टली वो कैरी फॉरवर्ड किसानों को हो सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, खरीदार बढ़ेंगे, जो खरीदार बढ़ेंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, खरीदार बढ़ेंगे तो वो डायरेक्टली फ़ायदा किसानों को होगा। अभी नंबर ऑफ बायर जो है, नंबर ऑफ रजिस्टर बायर जो है वो बहुत कम है, कम होने की वजह से उनमें गुटबाजी, उनमें यूनियन होने की चांसेस, उन यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूनियन करके एक कम्युनिकेट करके एक प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा आप किसानों को ना दीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, एक तरफ आप स्टोर भी करने के लिए आपको फैसिलिटी दे रही है, एक तरफ खरीदारों में कंपटीशन, नंबर ऑफ खरीदार बढ़ने की वजह से उनमें कंपटीशन बढ़ेगी और उसका फ़ायदा डायरेक्टली फार्मर से होगा, एक तरफ आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने की वजह से आपको फ्यूचर प्राइजेस पहले ही कन्फर्म होंगे, उस हिसाब से आप फर्टिगेशन, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और उनकी मात्रा फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि कितना पैसा लगाया और कितना प्रोड्यूस होगा और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उस हिसाब से आपको प्राइजेस फिक्स होने की वजह से आप भी आपका मुनाफा पहले ही, बेचने के पहले ही फिक्स कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी और वो हेल्प करेंगी फार्मर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि खरीदारों में कंपटीशन बढ़ेंगी और उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को होना चाहिए। तो ये सब था एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 का मेरा आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, होप ये आपको पसंद आया होगा। इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाना है तो ऐसा इन्वायरमेंट ज़रूरी था, ना कि सिर्फ आप पूरे भारतवर्ष में जहां 67% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है वहां सिर्फ 42,000 एग्रीकल्चर मंडीज है उनके हाथ में पावर दें। तो आने वाले दिनों में लगभग अगर 42,000 की जगह अगर प्राइवेट कंपनीज मिला के अगर कुछ 5 लाख 10 लाख ऐसे कंपनीज भी आती है जो कि डायरेक्ट फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े, डायरेक्ट फार्मर से ख़रीदारी में जुड़े, तो वो डायरेक्टली बेनिफिट फार्मर्स को ही मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल पहली नज़र में तो लग रहा है, होप ये ऐसे ही काम करें। धन्यवाद।